शांति। आज 16 जुलाई 2022 दिन शनिवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। प्रश्न, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्ट मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं, उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग, तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग, यह फिर है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो? दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। या तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपनी दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते, उनसे धंधा हो भी नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वह धंधा कर ना सके। बच्चे समझते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के हम बने, बाप आया है हमको पावन बनाने। तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया? यह हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है। शुरू शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है। फिर शिक्षा भी देनी पड़े, पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं। खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। आप प्रिंसिपल बन चलाओ, जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना। किसी को कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है। समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही है। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वे तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, ये तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते हैं, ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बन आते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही, हद का वर्षा है नर्क। नर्क में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गधाई कहेंगे। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है। सारा दिन यही धंधा करना चाहिए, पतितों को पावन कैसे बनाएं।
पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन कैसे बने हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हमारा परम पिता परमात्मा के साथ इतना लव है, अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। ये धंधा नहीं करते हैं तो गोया ना खुद पावन बने हैं ना बना सकते हैं। ये धंधा नहीं करते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी। समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी यह धंधा ना सीखे। बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं, बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए ना, और सबसे नष्ट मोहा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं। फलाने ऐसे हैं, यह ऐसा है। पहले तो अपने को देखना है हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं। फॉलो करें तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं, नाम तो निकलता है ना। बाप कहते हैं तुमको तो वनवाह में रहना है, 8 चट्टियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है, ऐसे तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए इस सब से ममत्व मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए ना। जो पंडे बन आते हैं वह सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनना है, ऐसे नहीं डिससर्विस करे लून पानी हो आपस में ही झगड़ते रहे। डिस सर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भावी। यह भी सहन करना है हमको, फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। यह भी उन्हों की सर्विस है ना, इसलिए इंद्र देवता कहते हैं। वर्षा बरसाते हैं तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि और ही खारे बनाते, कोई कोई तो खारा भी बना देता है। उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है, खारे की शक्ल सांवरी, मीठे की शक्ल गोरी। तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर यह सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते। बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा भल हमें कहीं भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार भी देते हैं। यहाँ तो यह ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाबा के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहर्यामी है, यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबर वार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है। कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, हर एक नेशनलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो जैसे मूल वतन में थे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए सभी को रहना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है, कितनी स्पेस लेते होंगे।
बहुत तो थोड़ी होगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं, समझ में आता है इतने तक मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर ही मनुष्य हैं। सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पवन बनाओ, ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवे। हम आत्माएं ऊपर में रहती हैं, तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है, ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। यह कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता, उनकी बुद्धि में है ही पाठ बजाने का। ऐसे नहीं कि महत्त्व का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा, वहाँ कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही यह कोशिश करता हूँ, यह तो बेअंत है। अच्छा अंत पाने से फायदा ही क्या, कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, वह है शांति धाम। वहां यह कोई संकल्प नहीं आता कि यह देखे वो देखे। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज आदि सब बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। यह सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं क्या भी आकर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। सबका यही हाल है सिवाय तुम बच्चों के। सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय देवे, तो बाप से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है, कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी फायदा क्या। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को भी यही समझाओ, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं है। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम तुमको परमपिता परमात्मा का परिचय देवें, जिसको निराकार कहते हैं, उनकी हम बायोग्राफी सुनाएं। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, तत्व को ज्ञान का सागर थोड़े ही कहेंगे। बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चढ़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है, अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है, बाप समान रहम दिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है
उसमें कल्याण छिपा हुआ है। स्लोगन, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। ओम शांति।